आज हम बनाएंगे बासी रोटी की डिश। मैंने चार रोटियों से ये पकोड़े बनाए हैं, मछली के पकोड़े भी फ्रेंड्स इसके आगे फेल हैं। इस तरह से ट्राई करें, आप भी बनाएं घर पर। आज हम बनाएंगे बासी रोटी की रेसिपी। ये मैंने चार रोटी ली है, हम इसकी रेसिपी बनाएंगे। बड़े छोटे सब खाकर इसको बहुत तारीफ करेंगे। आप भी इस तरह से ट्राई करें, जैसे हम बनाएंगे वैसे ही आपको बनानी है। एक कप मैंने बेसन लिया है, हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे, हरा कटा हुआ धनिया डालेंगे, ये मैंने बारीक लहसुन की कलियां काटी हैं इसको डाल देंगे। आप ना खाएं, ना खाते हो तो ना डालें, स्किप करें। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालकर इसको मिलाएंगे। ये देखिए मैंने घोल बना लिया है बेसन का, हमें इस तरीके का बेसन चाहिए। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए। इतने हम आगे का प्रोसेसर चालू करते हैं। ये देखिए मैंने 5 आलू लिए हैं, अब हम इसे मैश करेंगे। ये देखिए मैंने आलू को मैश कर लिया, अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे, कटा हुआ धनिया डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे, जीरा डाल देंगे। इसका टेस्ट बहुत स्वाद आता है। अनुसार हम नमक डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे, आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है आलू का, अब हम इसे रोटी पर लगाएंगे। इस तरह से सारे में फैला देंगे आलू के पेस्ट को। ये देखिए मैंने आलू को फैला लिया है, अब हम इसका इस तरह से रोल बनाएंगे। बिल्कुल इस तरह से हमने रोल बना लिया है। इसी तरह से हम और भी रोटियों को आलू से रोल बनाएंगे। आलू ये देखिए हमने चारों रोटियों के हमने रोल बना लिए हैं इस तरह से। अब हम नाइफ से इसके कट करेंगे, हम 3 पीस में इसको कट करेंगे। बिल्कुल इस तरह से देखिए हमने सभी रोटियों को कट कर लिया है, अब हम इनको तलेंगे। देखिए हम इसको रोल को हम इस तरह से बेसन में डीप करेंगे। फ्राई पैन में तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसे इसमें डाल देंगे। इस तरह से हम सभी रोल्स डाल देंगे। अब हम इसे पलट के देखेंगे, ये देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है, होने लग गया है, ये हमारे लाल होने लग गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपको इस तरह की डिश की रेसिपी मिलती रहेगी। अब हम इसे उलट पुलट करके इसको अच्छी तरह से तल लेंगे। ये देखिए हमारे तलकर तैयार हो चुके हैं पकौड़े। अब देखिए हम इसे क्रिस्पी करके दिखा रहे हैं, देखिए आवाज़ आ रही है, काफ़ी क्रिस्पी बने हैं ये हमारे। इस तरह से हम और भी बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, ये बहुत क्रिस्पी बने हैं। अब हम इसे हरी और लाल चटनी के साथ सर्व करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आप भी ट्राई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।